हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप साहू आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ एचिवर्स आईसीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आज वन सेवा परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ एक इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी के माध्यम समझाने का प्रयत्न करूँगा कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय अमेरिका के द्वारा नाभिकीय हथियारों का प्रयोग किया गया, परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया। परमाणु हथियारों के प्रयोग से इस धरती पर एक नई शक्ति का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं नाभिकीय शक्ति। तो भारत देश भी उसी समय आज़ाद हुआ था, और भारत देश को भी अगर शक्तिशाली राष्ट्र बनना था तो उसे भी नाभिकीय ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में कार्य करने की बहुत आवश्यकता थी। इसलिए परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। लेकिन 1950 के आसपास अमेरिका और रूस द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति करने के कारण सभी देशों का आकर्षण उन पर गया, और उनमें एक देश भारत भी था। और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत डॉक्टर विक्रम साराभाई के अथक प्रयासों से 1962 में एक समिति का गठन किया गया, जिसे कहते हैं इंकोसपार समिति। इंडियन नेशनल काउंसिल ऑन स्पेस रिसर्च, इसका गठन किया गया 1962 में। इसके गठन के समय ही केरल में 1962 में ही केरल के थुम्बा में इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में काम की शुरुआत की गई, और उसके एक साल बाद अर्थात 1963 में भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम था नाइक अपाची इसे प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1962 में इंकोसपास समिति के गठन के उपरांत इंकोसपास समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, और इसके वर्तमान चेयरमैन के सिवान हैं। अब 1969 में इसरो के गठन के पश्चात अंतरिक्ष के क्षेत्र में और अत्यधिक प्रगति करने के लिए 1972 में स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन किया गया 1972 में ही, और सितंबर 1972 में इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत लाया गया। और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के मुखिया भारत देश के प्रधानमंत्री बनाया गया। अब यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2017 के वन सेवा परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेपर सी सेट सी में क्वेश्चन नंबर 116 में यह क्वेश्चन आया था कि भारतीय वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष विज्ञान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो उसमें 5 ऑप्शन दिया गया था, उसमें एक ऑप्शन था भारत देश के प्रधानमंत्री, तो यही उसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम देखते हैं 1970 के दशक में बहुत सारे उपग्रह लॉन्च किए गए, आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, रोहिणी आदर्शवन, स्टेप परियोजना का संचालन किया गया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, भारत के सबसे पहले उपग्रह कौन से लॉन्च किए गए।
सबसे पहले भारत में 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट, जो कि एक महान गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट नामक उपग्रह लॉन्च किया गया। इसे सोवियत संघ रूस के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, बैकानूर स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। और इस आर्यभट्ट उपग्रह का उद्देश्य था वायु विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करना, सौर भौतिकी के क्षेत्र में रिसर्च करना और साथ ही साथ एक्स किरणों का खगोलीय अध्ययन करना। उसके बाद आर्यभट्ट के पश्चात सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं 1979 में भारत देश का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर प्रथम लॉन्च किया गया। रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया गया इसे भी बैकानूर स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था और इस भास्कर प्रथम उपग्रह का उद्देश्य था जल विज्ञान, समुद्री विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में रिसर्च करना। उसके पश्चात सन 1980 में भारत देश द्वारा भारत के अपने ही प्रक्षेपण केंद्र श्री सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, या जिसे बोलते हैं श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश में है, उससे सन 1980 में रोहिणी RS-1 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। इसका प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, या इसी को बोलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां से इसे प्रक्षेपित किया गया था। और इसमें भारत देश के ही प्रक्षेपण यान SLV-3 का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार रोहिणी RS-1 के सफल प्रक्षेपण के बाद अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के बाद भारत देश छठवां देश ऐसा बन गया जो अंतरिक्ष क्लब का मेंबर बना। उसके पश्चात 1982 में भारत देश का पहला व्यावसायिक उपग्रह INSAT-1A लॉन्च किया गया, इंडियन सैटेलाइट 1A, जो कि असफल हो गया। उसके पश्चात एक वर्ष बाद ही पहला व्यावसायिक दूरसंचार उपग्रह INSAT-1B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हम लोग देखते हैं 1988 में भारत का पहला व्यावसायिक इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह भारत देश का लॉन्च किया गया, जो कि बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम लोग और देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट भी देखते हैं 1994 में भारत देश द्वारा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया और 1999 में
भारत देश की धरती से विदेशी प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित करना शुरुआत किया गया। उसके बाद सन 2001 में बहुत ही शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल जिसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद हम बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चंद्रयान 1 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे 1962 में इनकोस्पास समिति का गठन किया गया। 1962 में ही केरल के थुम्बा में इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई और 1963 में एक साल बाद नाइक अपाची नामक साउंडिंग रॉकेट को भारत की धरती से छोड़ा गया। उसके बाद फिर 1969 में 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया और इसरो के गठन के उपरांत 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना करने के बाद 1975 में भारत का पहला प्रायोगिक आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया और 1979 में भास्कर प्रथम को लॉन्च किया गया। उसके बाद 1982 में इनसेट 1A को लॉन्च किया गया जो कि नासा के सहयोग से लॉन्च किया गया था जो कि असफल हो गया। उसके बाद 1983 में इनसेट 1B को लॉन्च किया गया जो कि भारत का पहला व्यावसायिक दूरसंचार उपग्रह था। उसके बाद 1988 में भारत का पहला व्यावसायिक इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया गया और 1994 में PSLV का सफल परीक्षण किया गया और 1999 में विदेशी उपग्रहों को भारतीय प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया जाना की शुरुआत की गई और 2001 में GSLV का सफल परीक्षण किया गया। अब हम देखते हैं चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 को श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज या सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसमें PSLV C11 प्रक्षेपण केंद्र के प्रक्षेपण यान के माध्यम से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 1 को चंद्रमा की धरती पे दक्षिण ध्रुव में उतारा गया था। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग समय है 2021 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मंगल मिशन। ऐसी को बोलते हैं मंगलयान प्रथम। ऐसी को एक और नाम से जाना जाता है मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन। इस मंगलयान को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था जिसे PSLV C25 इस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था और मंगलयान के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने के बाद भारत विश्व में ऐसा चौथा राष्ट्र बन गया जो मंगलयान को सफलतापूर्वक उसके कक्षा में उतार पाया। इसके पहले सोवियत संघ, रूस, नासा और यूरोपीय स्पेस कंपनी द्वारा मंगलयान पर सफल प्रक्षेपण किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं दो हज़ार सत्रह 15 फरवरी 2017 को भारत की इसरो कंपनी ने विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारत की इसरो कंपनी द्वारा एकल रॉकेट द्वारा एक ही प्रक्षेपण केंद्र से एक ही उपग्रहों को लॉन्च किए जाने वाले क्षेत्र केंद्र से एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया
और उन्हें उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया। इसके पहले रूस द्वारा एक साथ 29 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं 2017 में ही GSLV MK3 जो कि 4000 किलोग्राम उपग्रह को सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंचाने की क्षमता रखता है, इस लॉन्चिंग व्हीकल से जी सेट 29 को प्रक्षेपित किया गया। और जी सेट 9 का वजन था लगभग 3500 किलोग्राम के आसपास। उसके बाद 2018 में जी सेट 11 को प्रक्षेपित किया गया, जिसका वजन था, इस उपग्रह का वजन था 5854 किलोग्राम। अब 5854 किलोग्राम को यूरोप के स्पेस एजेंसी या यूरोप के प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रकार जी सेट 11 भारत द्वारा लॉन्च किया गया अभी तक का सबसे भारी उपग्रह है। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और इसे पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश स्थापित किया गया। तो आइए एक बार रिपीट करते हैं पूरा। सबसे पहले 1962 में इंकोसपास समिति का गठन किया गया। 1962 में ही केरल के थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को बनाया गया और 1963 में अर्थात एक वर्ष पश्चात पहला साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया, नाइक अपाचे। फिर 1969 में इसरो की स्थापना की गई। फिर 1972 में अंतरिक्ष विभाग और स्पेस आयोग का 1972 में अंतरिक्ष विभाग और स्पेस कमीशन का स्थापना किया गया। फिर 1975 में पहला प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट का लॉन्च किया गया। फिर 1979 में पहला प्रायोगिक दूरसंचार पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर प्रथम को लॉन्च किया गया। फिर 1980 में भारत की धरती से पहला उपग्रह रोहिणी RS-1 को लॉन्च किया गया, जिससे भारत अंतरिक्ष क्लब का 6वां मेंबर बन गया। फिर 1982 में नासा के सहयोग से INSAT-1A को लॉन्च किया गया जो कि असफल हुआ। फिर 1983 में INSAT-1B को लॉन्च किया गया जो कि भारत का पहला व्यावसायिक दूरसंचार उपग्रह था। फिर 1988 में भारत देश का पहला व्यावसायिक इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया गया। उसके बाद 1994 में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल प्रक्षेपण किया गया। फिर 1999 में भारत के प्रक्षेपण केंद्र से विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाना सफल किया गया। उसके बाद 2001 में GSLV को लॉन्च किया गया और 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया, चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। फिर 2013 में 8 नवंबर 2013 में मंगलयान को लॉन्च किया गया और फिर 2017 में भारत की कंपनी इसरो के द्वारा एकल रॉकेट के द्वारा 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। फिर 2017 में जी सेट 29 को लॉन्च किया गया जो कि अभी तक का भारत धरती से
प्रक्षेपित किया जाने वाला सबसे भारी उपग्रह था, जिसका वजन था 3500 किलोग्राम। उसके बाद फिर 2018 में भारत का अभी तक सबसे भारी उपग्रह GSAT-11 जो कि यूरोप की प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। और फिर 2019 में 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। तो दोस्तों आज यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसरो के पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे और लॉन्चिंग व्हीकल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।